आप देख रहे हैं YouTube चैनल वोकल ऑफ आमिर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिश क्लीनर रिसीवर जो कि आपका सेटअप बॉक्स होता है, इससे आप अपने डिश के चैनल जो हैं वो किस तरह आप लोग ट्यून कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने डिश के जो रिसीवर है उसके जो मेन्यू का बटन है उसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप इस जरिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गो टू वाला ये मेरे पास रिसीवर है, इसके ऊपर यहाँ पर जो है आपके पास इसका मेन्यू का जो बटन है वो हमारे पास यहाँ पर है, इस बटन को आपने प्रेस करना है। इसको मैं फोकस कर लेता हूँ, इसको मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये देखिए मेन्यू का बटन है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आप देखें कि मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने अपने रिमोट से ऐसे इस साइड पे करना है। जैसे ही आप इसको साइड पे करेंगे तो ये सैटेलाइट सेटअप पे देखें ये यहाँ पर आ गया है। इस मेन्यू में एंटीना सेटअप है, यहाँ पर एंटीना सेटअप है, इसके बाद सिंगल सैटेलाइट सर्च है और मल्टी सैटेलाइट सर्च है, इसके बाद टीपी लिस्ट है। तो पहले मैं आपको सबसे पहले सिंगल सैटेलाइट सर्च जो है इसके ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ। यहाँ पर क्योंकि मैंने पाक सेट के ऊपर अपनी डिश को सेट किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पर पाक सेट जो है वो सिलेक्ट है। तो इसके बाद आपने सबसे नीचे ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पर सर्च जो है वो लिखा हुआ है लेकिन आपने स्कैन मोड जो है वो ब्लाइंड सर्च पे करना है। देखिए मेरे पास ये जो सर्च ऑप्शन है ये ब्लाइंड स्कैन पे है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं लेकिन इसको आपने ब्लाइंड सर्च पे रखना है। और उसके बाद आपने सर्च का जो ऑप्शन है इसको आपने ओके कर देना है, अपने रिमोट से इसको आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो स्कैनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो आपकी जो डिश है वो आपके चैनल जो है वो आपको यहाँ पे मुहैया करेगी। तो इस तरह इस सेटअप बॉक्स से डिश के जो चैनल्स हैं वो सेट किए जाते हैं। आप देखें ट्यूनिंग शुरू हो गई है, उसने दो चैनल जो है वो फायर कर लिए हैं। इसी तरह ये जितने चैनल इस सैटेलाइट पे होंगे वो हमारे पास यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आम टीवी से इसकी इस जो ट्यूनिंग की ऑप्शन है वो फ़र्क है, इसलिए मैंने आपको इसको ट्यूनिंग करना सिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो अगर आप किसी बात की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आपको मिल सकें।